खबर गाजियाबाद से है, जहां पर चेकिंग के दौरान लोनी पुलिस की बदमाशों से हुई भेड़ में मुठभेड़ एक बदमाश रिजवान पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाश पुलिस की टीम पर फायर करके भागा था। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गिरफ्तार बदमाश पर दिल्ली NCR के विभिन्न थानों में गोकशी, चोरी सहित एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। लोनी और स्वाट टीम देहात के द्वारा पंथला चिरौड़ी मार्ग पर आज शाम को चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो काफ़ी तेजी से मोटरसाइकिल मोड़ करके जंगलों की तरफ भागने का प्रयत्न किया। पुलिस टीम ने साहस का परिचय देते हुए चारों तरफ से घेराबंदी की और बदमाश को ललकारा। बदमाश ने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग की। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम रिजवान पुत्र यूसुफ बताया।